हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने दो दिन पहले हुई टैक्सी मालिक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों की वजह से टैक्सी मालिक की प्रेमिका के दो बेटों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। रांची के सोमबाड़ी इलाके में शाहबाज नाम के एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद से सबूत जुटाए। शाहबाज की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजस्थान के कोटा में एक ऑटो चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। ये वारदात संजय नगर पुलिया के पास हुई। मृतक लाल सिंह के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के बेटे के मुताबिक पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक युवक की हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक बेटी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को लड़की के पिता और चचेरे भाई ने पीट पीट कर मार डाला था। बिहार के गोपालगंज में एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक को खंभे से बांधकर तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। गांव वालों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन दबी जुबान से लोग प्रेम प्रसंग का मामला भी बता रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि बाकी फरार है। एमपी के मुरैना में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में गोलीबारी हो गई। छतरियापुरा गांव में हुई इस गोलीबारी में राम नरेश नाम के युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। गांव के हाकिम सिंह और कोक सिंह का काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार के नवादा में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने स्ट्रेचर की बजाय खाट पर ही शव को डालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मृतक केरल में रहता था और कल ही गांव लौटा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। यूपी के अंबेडकर नगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके दो सहयोगियों को गोली मार दी। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। वारदात के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में पिता पर अपने 5 साल के बेटे की हत्या करने और उसके शव को जलाने का आरोप लगा है। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले विजय के बेटे से एक अंडा टूट गया था, जिसकी वजह से फैक्ट्री के मालिक ने विजय को खूब गालियां दी। इससे भड़के विजय ने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और गन्ने के खेतों में शव को जलाने की कोशिश की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा के पानीपत में मित्तल मेगा मॉल में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 13 लड़कियों और 4 लड़कों को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर इस रैकेट का पर्दाफाश किया।